गणेश उत्सव हा आरती व पूजा अर्चना पुरता मर्यादित न ठेवता दरवर्षी भोलू भाऊ मित्र परिवाराच्या वतीने गणेश उत्सवात विविध उपक्रम राबविले जातात। त्यात कबड्डी स्पर्धा, भजन स्पर्धा, ज्येष्ठ नागरिकांचा सत्कार अशा प्रकारचे विविध उपक्रम राबवून सोमनाने मित्र परिवाराने गडचिरोली जिल्ह्यात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे। त्यामुळे त्यांचे कार्य कौतुकास्पद असल्याचे माजी आमदार हरिराम वरखेडे म्हणाले। ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते। यावेळी उद्घाटक म्हणून सरपंच संगीता पेंडा तर प्रमुख अतिथी माजी जिल्हा परिषद सदस्य केशवराव गेडा, उपसरपंच भास्कर बोडणे, सुकाळ्याचे सरपंच अविनाश कन्नाके, कोजवीच्या माजी सरपंच वैशाली डोंगरवार, दत्तू सोमनकर, माजी उपसभापती विनोद बावनकर, ग्रामपंचायत सदस्य आदेश आकरे, सत्यदास आत्राम, तंटामुक्त समिती अध्यक्ष महादेव दुमाने, मुखरू खोब्रागडे, नलिनी सहारे, नलू आत्राम, वैशाली कांबळे, नेताजी नेवारे, पांडुरंग बावनकर, मधु सोमनानी आदी मान्यवर उपस्थित होते। कार्यक्रमाचे संचालन प्राध्यापक प्रदीप बोडणे तर प्रास्ताविक रामदास डोंगरवार यांनी केले। शीतल सोमनानी यांनी उपस्थित यांचे आभार मानले तर कार्यक्रमाकरिता वैरागड व परिसरातील बहुसंख्या नागरिक कबड्डी प्रेमी उपस्थित होते। महाराष्ट्र टीव्ही 24 करिता हरेंद्र मडावी, गडचिरोली। के पक्षी राजपुरा गांव की हक्की पिक्की जनजाति द्वारा 108 सूखी और हरी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। ये आदिवासी लोग सालों से इस तेल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसलिए आज तक इन्हें बालों से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं हुई है। इस तेल से बालों का झड़ना, गंजापन, बालों का कमजोर होना जैसी दर्जनों समस्याएं चुटकियों में ठीक हो जाती है। इतना ही नहीं, ये तेल बालों को घना करता है, नए बाल उगाने और बालों को लंबा करने में भी मदद करता है। अभी तक लाखों लोग इस तेल का इस्तेमाल करके अपने बालों की दिक्कतों को दूर कर चुके हैं। इस तेल को ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं